धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों से हुआ विवाद, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल में आक्रोश। ये ताजा मामला बहराइच जिले से है। जिले में मिहीपुरवा तहसील के थाना कोतवाली मुर्तिहा के ग्राम लाल बोझा के पास सरयू नहर के 26 नंबर पुल के पास हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर ईसाई मिशनरी में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इसी दौरान गुड़ हरकापुर मार्ग से अपने साथियों के साथ निकल रहे विश्व हिंदू परिषद के विभाग उपाध्यक्ष संदीप सिंह भीड़ इकट्ठा देख रुककर कारण जानने का प्रयास करने लगे। इस पर धन परिवर्तन करा रहे राधेश्याम दिवाकर पुत्र बिंद्रा प्रसाद निवासी अक्ठी धौरहरा खीरी तथा उनके साथ मौजूद अन्य 10 साथियों ने हमला कर दिया, जिससे विश्व हिंदू परिषद के विभाग उपाध्यक्ष संदीप सिंह के सिर में तथा उनके साथ मौजूद प्रमोद राजभर छेतीलाल गंगा सागर मौर्य को चोट लगी है। मैं अनिल कुमार मौर्य, दत्तक 24 से जिला ब्यूरो चीफ। ये धर्म परिवर्तन को लेकर ये बहराइच जिला में काफ़ी हंगामे हो चुके हैं। अभी इससे पहले एक जो संयोजक थे उनको काफ़ी गहरी चोट लगी थी और काफ़ी परेशान थे बजरंग दल के लोग। और यहाँ पे भी एक हमारे मीनपुरवा क्षेत्र अंतर्गत थाना मुहिया का मामला है। राय बोझा लाल बोझा जो है आपका लाल बोझा है और वहाँ पुल नंबर 26 जो पुल नंबर 26 है लाल बोझा का, वहाँ पे एक घटना हुई जहाँ पे 250 लोग कुछ थे पादरी और उसमें से 10 पादरी थे, बाकी और जनसंख्याएँ बैठी थी। तो कुछ यहाँ के बजरंग दल के और लोग वहाँ पे गए जिनके साथ हाथापाई और लाठी डंडे से मारपीट चालू हो गया, जिसमें 2 लोगों को चोट काफ़ी चोट आई है। और फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एक संदीप सिंह जी है और इनसे हम वार्ता करते हैं। तो आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है जी। मैं विभाग उपाध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद बहराइच का। अच्छा, ये घटना कैसे हुआ? हम इसके अलावा बीमा भी करते हैं, तो बीमा के कार से जा रहे थे हरकापुर और रास्ते में जैसे पुल क्रॉस किए 26 नंबर पुल, वहाँ पे कुछ लोग वो चला रहे थे चंगाई सभा, जो अचानक से गाड़ी के सामने आकर हम पे हमला किया। मेरे साथ 4 लोग और भी थे जो भी पूरी तरह घायल हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जगह जगह धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो इसको रोकने का कार्य करें। और हमेशा सहयोग भी करते हैं, लेकिन बार बार मेरा निवेदन है कि इसको इस मामले को संज्ञान लें। ये धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है? एक तो थाना मोतीपुर के अंतर्गत जो गौशाला बनी है सेवनाना में, वहाँ पर श्रीराम करके कोई है जो हर संडे को करता है। अच्छा, इसकी लिखित सूचना हमने, क्या वहाँ पे चर्च वगैरह बना है या ऐसा ही? नहीं बना है, चर्च नहीं बना, लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा, जो मॉडर्न गौशाला है उसके जमीन पर अवैध कब्जा करके ईसाई प्रार्थना करवाता है। अच्छा। डीएम से भी शिकायत? हाँ, इसकी शिकायत हमने डीएम से भी किया था, हमारे बजरंग के कार्यकर्ताओं ने किया था, मैं भी साथ में था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। और इसी तरीके से नैनिया मंडी पे कोई सुबाद नाम का व्यक्ति है, हाईवे से आप बाएं तरफ जाएंगे लगभग 80 मीटर पर उसका घर है और हर संडे को वो भी प्रार्थना करवाता है। इसी प्रकार से एक कंजड़वा पड़ता है प्रेम नगर, वहाँ रामकरण गौतम और भी लोग हैं, वो भी हर रविवार को प्रार्थना करवाते हैं। गोपिया काफ़ी 86 ग्राम सभा है जिसमें लगभग 22 ग्राम सभा हमारी इससे पीड़ित है। वहाँ पे कितने संख्या देखे? कम से कम 250 लोग बैठे थे, उसमें महिलाएं भी थी, माताएं बहनें भी थी, लेकिन पादरी 10 थे। उनका मेन एक है राधेश्याम करके नाम है जो धौरहरा से आता है और वहाँ का वांछित भी है। तो अगर अपने देश में देश विरोधी कार्य हो रहा है तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए शासन प्रशासन। तो आपने बताया राधेश्याम जी, तो ये सभा कब कब लगता है? हर बृहस्पतिवार को लगता है। क्या ये प्रशासन को पता है? नहीं, हमने लिखित एप्लीकेशन दिया है और
मोतिहा में मुकदमा भी लिखा गया है आज। अच्छा, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया? 10 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। तो ये आपको चोटे उनके पास जो है डंडे थे। अच्छा, डंडे से जो है हमला किया गया। कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? पीठ में भी लगी है और दाहिने तरफ जो है पेट में भी लगी है, सर पे भी लगी है। तो आपको ज्यादा लगी है और भी किसी को? नहीं, हमारे तीन साथी और भी घायल हैं। जी। उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम है छेदीलाल राजभर और गंगा सागर मौर, प्रमोद राजभर जी। तीन लोग काफी चोटे हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो संदीप सिंह है और इनको काफी चोटें आई हैं और ये प्रशासन को अप्लीकेशन भी दे चुके हैं कि इनको काफ़ी चोटें आई और इनके साथी लोगों को भी काफ़ी चोटें आई हैं। ये धर्म परिवर्तन को लेकर काफ़ी सुर्खियां बहराइच बिटोर रही है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि इससे दो दिन पहले काफ़ी हंगामे हुए थे, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी हुए, उसके बाद भी ये धर्म परिवर्तन का जो चैनल है वो रुकने का नाम नहीं। विश्व हिंदू परिषद के लोग संदीप सिंह को अचेत अवस्था में थाना कोतवाली मुर्तिहा लाए, जहाँ पर संदीप सिंह ने थाना प्रभारी मुर्तिहा को घटना की जानकारी देकर तहरीर दी। इसके बाद संदीप सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 नामजद में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तथा बाकी लोग खोजे जा रहे हैं। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि धर्म परिवर्तन का कार्य मिहीपुरवा क्षेत्र के थाना मोतीपुर एवं मुर्तिहा थाना क्षेत्र आधा दर्जन गाँव में बृहस्पतिवार और रविवार को होता है। जरूरी है यहां जांच हो और कार्रवाई भी हो। आप देख रहे थे बहराइच से अनिल मौर्य की रिपोर्ट।